मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल में। अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं हमारी लाइव क्लासेस का वीडियो है, जिसमें हम आपके साथ वीबीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन का बात को करेंगे। और प्लीज ये वीडियो को पूरा तक देखें, क्योंकि इसके रात में लास्ट में मैंने होमवर्क की जिक्र की है, प्रैक्टिस के बारे में जिक्र किया है, कि सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा जब तक उसकी आप प्रैक्टिस ना करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को पूरी की पूरी कंप्लीट देखिए, और मेरे और भी वीडियो के लिए यूट्यूब पे आईपीटी इंडिया को सर्च करें तो मेरे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आईपीटी इंडिया यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरे कई सबसे ऊपर वीडियो 2100 वीडियोज मिलेंगे। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर फॉर्म। हमने कल की क्लासेस में यूजर फॉर्म की डिजाइनिंग के ऊपर डिस्कस किया था कि यूजर फॉर्म पर डिजाइन किस तरह से करते हैं। हम बात करेंगे आज कोडिंग के बारे में कि यूजर फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो कोडिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए एक्सेल खोलते हैं। सुजीत सर, जी सर मेरी एक क्वेरी थी कि बनाते क्यों हैं हम लोग, मतलब यूजर फॉर्म। कल बताया तो था इसके बारे में मैंने, मतलब वो तो मैंने देख लिया। के लिए होता है जो राइट क्लिक करके वो आप कमेंट से दिखता है ना, पॉपअप आता है ना। हाँ 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 जैसे कि आप यहाँ मान लीजिए इस पे क्लिक किए, पॉपअप आया। ये पॉपअप क्यों आया तो इसके बारे में बताइए। इसलिए आया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन इस मेनू बार में नहीं दे सकता, ठीक है? सारे ऑप्शन मेनू बार में नहीं दे सकते, इसलिए यूजर फॉर्म का इस्तेमाल। अब चलिए हम बात करेंगे कि यूजर फॉर्म से डेटा एक्सेल सीट पे कैसे आएगा। डेटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं, जिसमें हमारा आईडी होगा जो कि प्री जनरेटेड होगा, डेट टाइम, और यहां पे हमारा नेम होगा, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट होगा। इसकी जो एंट्री हम करना चाहते हैं एक पॉपअप वाली फॉर्म से। तो उसके लिए हम चलिए यूजर मशीन पे जाते हैं और एक यूजर फॉर्म हम इंसर्ट करते हैं। और सबसे पहले इस यूजर फॉर्म को हम डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। हेडिंग देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कल किया था जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें। लेवल वन के यहाँ ले देता हूँ डेटा एंट्री, फॉर्म यहां से हम बना देते हैं, और जो यूजर फॉर्म है उसकी जगह पर भी डेटा एंट्री कर देता हूं। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना चेक देते हैं। सबसे पहले हमारा नेम, तीन चीजें तो ऑटोमेटिक आना चाहिए ना, आईडी, डेट एंड टाइम, ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट आना चाहिए और इसमें हम किसी तरह का एडिशन नहीं करेंगे। ये सिस्टम जनरेटेड होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा तो उसके बाद यहां पे हम
लेते हैं नेम, और नेम के लिए हम यहाँ पे नेम का यहाँ हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद हमारा सिटी है, सिटी में लिस्ट बॉक्स चलिए लेते हैं, कॉमो बॉक्स, तो कल मैं कॉमो बॉक्स बताया था तो उसका एक भी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। और एक लास्ट में अमाउंट भी था ना, तो यहां पे मैं अमाउंट का भी दे देता हूं। ये हमारा फॉर्म बन गया, और यहां कमांड बटन दो चाहिए, एक क्लियर के लिए चाहिए, अगर कोई गलती हो गई तो फॉर्म पूरी फॉर्म को क्लियर करने के लिए, और दूसरा डेटा को सबमिट करने के लिए। ओके बता सबमिट बटन, अब इसमें एक चीज है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं ना, कंट्रोल से या शिफ्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल से नहीं हुआ तो फॉर्मेट में आते हैं अलाइन, अलाइन में हम लेफ्ट को कर देते हैं, तो सारा लेफ्ट से एक सीट में आ गया, और सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्मेट में हम अलाइन में इसको भी लेफ्ट से कर देते हैं, तो ये लेफ्ट से एक सीध में आ गया। अब कोई देखिए कोई किसी की विड्थ छोटी है पतली है जैसे कि चौड़ा है, तो उस केस में भी आप यहाँ फॉर्मेट में मेक इट सेम साइज कर सकते हैं। मेक इट सेम साइज, हाँ हमने हाइट कर दी हाइट, तो सारा एक साइज का हो गया। अच्छा अब चलो फॉर्म ओपन करें तो सबसे पहले यहाँ आईडी बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, डेटा डेट बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, और टाइम बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। तो उस केस में हम फॉर्म, हमने बताया था कि हमें इवेंट सिलेक्ट करना होता है, तो हमने स्लाइड्स में सिलेक्ट किया डिम आईडी एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन, जैसे हमने सीट फॉर्म में किया था सेम उसी तरह कोडिंग यहां करेंगे, डॉट काउंट काउंट ए, और इसमें हमें ये सीट्स, सीट्स में डेटा डॉट रेंज, और यहां पे ए बाई ए आ जाएगा, ये हमारा आईडी क्रिएट हो गया, और हमने यहाँ पे लिख दिया मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल आईडी प्लस वन। फिर दूसरा हमें डेट चाहिए, तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्योंकि इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं और टेक्स्ट बॉक्स का नाम याद ना हो तो क्लिक करके आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट बॉक्स टू टेक्स्ट बॉक्स थ्री ऐसे सीक्वेंस में होता है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो वैल्यू इज अ डेट और मी डॉट
xworks3.value. अब यहां पे डेट चाहिए तो हमें फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, फॉर्मेट नाउ, क्योंकि नाउ डेट एंड टाइम दोनों देता है, HH, MM, SS. ये हमारा हो गया. उसके बाद फिर मैं यहाँ पे width कमांड देता हूँ, width कमांड देता हूँ, तो width mi dot column of one dot add item, यहाँ पे city दे देता हूँ, तो Delhi dot add item Pune, then add item Noida, dot add item Patna. City listed है इसलिए हमने दे दिया M. M. अब मेरा user form जैसे यहाँ चले वो play होगा, तो यहाँ इसको जैसे ही प्ले होगा तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा. हाँ, हमने एक चीज गलत किया है, हमने यहाँ पे काउंट काउंट लगाया हुआ, काउंट नहीं होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, मैक्स ही रिजल्ट देगा. मैक्स डेट आ गया, टाइम आ गया, लेकिन इसमें चेंज किया जा सकता है, तो मुझे सिस्टम जनरेटेड होने चाहिए, चेंजेबल नहीं होने चाहिए. तो उस केस में इसको सिलेक्ट कीजिए, इसमें इसके प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो आपके यहाँ पे अनेबल दिखेगा, अनेबल. जहां पे अनेबल दिख रहा है इसको ट्रू के जवाब में फॉल्स कर देंगे, मतलब कि हम इसको तो दिखेगा लेकिन डिसेबल रहेगा. इससे क्या होगा, इससे डाटा एंट्री करते समय कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा, डिसेबल करेगा. अब देखिए इसमें सर अभी मेरा कनेक्शन हट गया था, फिर आ गया, क्या हुआ था? अभी हमने अपने इसको डिसेबल किया था, ये हेलो, हमने इसको डिसेबल कर दिया ताकि कोई भी डेटा एंट्री ना कर सके इसके. अब हम कोड करने जा रहे हैं कि इसमें जब सबमिट करें तो सारा का सारा डेटा, जो पूरा डेटा है टेक्स्ट बॉक्स का, वो पूरा डेटा सिक्वेंशियली एक के नीचे सीट में आ जाए. चलिए इसकी कोडिंग करते हैं. तो ऐसा कब करना चाहते हैं, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक हो. सबमिट बटन पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि सीट्स में हमारा डेटा हो जाएगा, डेटा डॉट रेंज, जैसे हमने एक्सेल फॉर्म में किया था उसी तरीके करेंगे. कोई नई कोड नहीं है, वही कोड है, बस वहां पे सेल थे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, बस यही एक अंतर है. एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी नहीं, यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1.value. अब इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, ये जीरो के जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, जैसा कि हमने सी फॉर्म में किया था, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगा. अब इसी को कॉपी पेस्ट आप करते चले जाइए, और ये आपका 2 और ये आपका लिस्ट बॉक्स 3, ये आपका 3, लिस्ट बॉक्स आपका 4, ये आपका 5, ये आगे आपका सिटी के लिए, इसमें लिस्ट बॉक्स नहीं होगा, इसमें कॉम्बो बॉक्स होगा, क्योंकि सिटी हमारा कॉम्बो बॉक्स है. मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट, जैसे ये आपका आईडी हो गया, ये आपका डेट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका नेम हो गया, ये आपका सिटी हो गया, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया 5, और ये आपका 6 हो जाएगा. सुरेश सर, इसके लिए आपने नया इवेंट क्या बोला है?
हेलो, क्या बोल रहे? सुना नहीं सर। इसके लिए आपने नया इवेंट लिया ना कि कमांड बॉक्स में जाके मतलब जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पिक कर ले। नहीं, हमने किया, डबल क्लिक किया था ना इस पे, सी फॉर्म, इसमें कमांड बटन पे, तो ऑटोमेटिकली क्लिक हमारा आ गया। अब जैसे कि जब बटन हो जाए तो उसके बाद हम कुछ और चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये सारा दोबारा अपडेट हो, कि हमें नई आईडी मिले, नई आईडी मिले और फिर नया सा डेटा फॉर्म मिला, डेट टाइम अपडेट हो जाए और साथ में मी डॉट लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स नहीं, कॉम्बो बॉक्स, हाँ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक कर दिया, आपका फाइव, ये आपका सिक्स और सेम मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक और मैसेज बॉक्स में एम एस जी बॉक्स कॉम्बो को याद दिया गया योर डेटा सब सब ये आपका कंफर्मेशन आ गया। चलिए एक करके देखते हैं कि मैं आपकी पूजा, हमें सिटी दैनिक पुणे ले लिया, मोबाइल नंबर और अमाउंट हमने ले लिया, सबमिट करते हैं। इसमें एक दिक्कत हो गया और सिटी पुणे, हाँ ये देखिए यहाँ दिक्कत हो रहा है ना, घसक दिया हुआ है, एक मिनट देखता हूँ क्या दिक्कत है। कॉलम वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, कॉम्बो बॉक्स फोर आना चाहिए ना, यहाँ पे फोर होना चाहिए था, हाँ फोर फाइव एंड सिक्स, यहाँ पे दिक्कत हो रही है सर। चलिए दोबारा इसको करते हैं, आइडिया डेट टाइम अपने आप आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूजा, सिटी हमने सिलेक्ट कर लिया नोएडा, मोबाइल नंबर हमने दे दिया और यहाँ पे हमने अपना अमाउंट ले लिया, सबमिट पे क्लिक किया, डेटा सबमिटेड और इस बार परफेक्टली डेटा अपने अपने जगह पे गया है। साथ में देखिए हमारा आईडी चेंज हो गया, हमारा टाइम भी चेंज हो गया, ठीक है। 6:59 था, अब 27 मिनट है, 27 सेकेंड है, तो 6:27 यहाँ पे चेंज हो गया और ये सारा ब्लैंक हो गया। फिर से नया एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, जैसे ओम और यहाँ पे पुणे देते हैं और यहाँ पे हम यहाँ देते हैं एंट्री कर लो और यहाँ पे हम कोई भी एंट्री देते हैं और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे चेंज, यहाँ भी टाइम चेंज और यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है सर। तो आप जो है इसको रेफरेंस, इसको रेफरेंस में लेते हुए आप जो है इसी तरह कोई मैक्रो यूजर फॉर्म क्रिएट करें सर। एक बार कोडिंग दिखाओगे? कोडिंग इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोडिंग वही है जो हमने सीट फॉर्म पे किया था, जब आपको मैं रेंज बढ़ाया था तो एक सीट फॉर्म क्रिएट समझाया था सर, शायद आप लोगों को याद है सर। एक तो ही जो ये आपने किया है नीचे मी टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक इसलिए कि वो हर बार ब्लैंक होता रहने है, तो इधर डिलीट करना पड़ेगा जब भी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म क्लियर हो जाता है ना।
हाँ और सर एक चीज और ये मिस हो गया मेरा, ये कैसे आया आपका प्राइवेट सब कमांड बटन टू क्लिक, ये कैसे आया ऊपर से सेलेक्ट किया? मैं जैसे जैसे मान लो क्लियर पे करना है तो मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके 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 ठीक है मैम, आपको डबल क्लिक करना है आ जाएगा। हाँ जब मान लो आपको क्लिक पे नहीं चाहिए कोई और इवेंट चाहिए तो फिर आपको यहाँ से इवेंट को चेंज करना होगा। तो ये ऊपर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं सर कि ऊपर से डबल क्लिक पे करना है या एंटर पे करना है या माउस मूव अप करना है ये सब पे कर सकते हैं सर। मैं बारे में बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल ये सब चीजें नहीं आपको समझ में आएगी, फिलहाल बस डबल क्लिक कीजिए चेक कर लीजिए क्लिक होना चाहिए ठीक है। ओके चलिए वीडियो देखा है, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासेस रात के 10 बजे की क्लासेस थी जो कि मैंने 3 मई को लिया है। इसमें 3 से 4 बच्चे थे तो हमारी ऐसी ही डेली बेसिस पे 3 से 4 बच्चों की बैच चलती है। आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट होते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं इस जूम ऐप के थ्रू, और हम पहले 3-4 क्लास एज ए फ्री डेमो देते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लासेस को एनरोल करें और 3-4-5 क्लास लेके देखें, अच्छा लगा तो फिर आप कोर्स को एनरोल करेंगे, या फिर हमारे पेन ड्राइव भी सेल होती है तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com से हमारी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी ले सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके या फिर मेरी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके फ़ोन का जवाब देने के लिए रेडी रहूंगा। और हमारी बाकी के वीडियोस देखने के लिए आईपीटी इंडिया को यूट्यूब पे सर्च करें, आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे।